दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉलमी एआरजे एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम वर्जिल और डांटे को देखते हैं। वर्जिल और डांटे दोनों ही अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं। डांटे बोलते हैं कि ब्रदर जरा तुम उधर देखो, जरा तुम प्रिंस वेजिटा को देखो, वो तो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लग रहा है अपने आप को अकेला पाकर। वर्जिल बोलता है कि प्रिंस वेजिटा अब तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम हमें कुछ करके दिखाने वाले हो। वेजिटा को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उसे इस सिचुएशन में करना क्या है। वेजिटा बोलता है कि कैकरोट आखिर तुमने मुझे किस सिचुएशन में डाल दिया। मुझे पता है कि तुम एक सैयन एलिट नहीं हो, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से हार जाओगे। और साथ ही में खुद को अपने टाइम लाइन का गॉड किलर कहने वाला मेरा बेटा भी हार गया। मैंने शायद काफ़ी समय से अकेले दो अपोनेंट का सामना नहीं किया, वो भी इतने ताकतवर अपोनेंट्स, पर मैं पहले इस तरीके का वॉरियर नहीं था। मैं अकेले लड़ने से नहीं घबराता था, पर शायद अर्थलिंग के साथ रहने की वजह से मेरा हार्ट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। तभी हम वेजिटा के मन के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वेजिटा मौजूद होता है। वेजिटा बोलता है कि पर मुझे कोई भी डाउट नहीं है, मैं इस तरीके के सिचुएशन से पहले भी गुजर चुका हूँ। मेरे फादर वो हमेशा ही मुझे इस तरीके के सिचुएशन के लिए ही तैयार करना चाहते थे, और यही वो कारण था जिसके वजह से मेरे फादर ने मेरी ज़िंदगी को इतना हार्श बनाया। इसके बाद हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं वेजिटा के। इस फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वेजिटा किसी का सामना कर रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि तुम तीनों ने गलत सैयन को चुन लिया है, अब वक्त आ चुका है मेरे फादर को दिखाने का कि आखिर मैंने उस टकले नापा से क्या क्या सीखा है। वेजिटा एक चट्टान के ऊपर खड़ा हुआ होता है। वेजिटा के सामने तीन साइबा मैन होते हैं, और ये तीनों ही साहिबा मैन एकदम से वेजिटा के ऊपर टूट पड़ते हैं, और ये तीनों ही साहिबा मैन एक साथ बोलते हैं कि हमें इसे मारना होगा। अपने तरफ तीन ओपोनेंट्स को आता देखने के बावजूद वेजिटा के चेहरे पर एक स्माइल होती है। किड वेजिटा बोलता है कि ये तो काफ़ी सारा ख़राब बात है तुम लोगों के लिए, तुम लोगों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुमने मौत को चुन लिया है बेवकूफ़ो। वेजिटा के ऐसा बोलते ही वेजिटा एक ही फ्लैश में अपने ओपोनेंट्स तक पहुँच जाता है, और वेजिटा एक एक करके दोनों साइबर मैन को हरा देता है। अपने दोस्तों को इतनी बुरी तरीके से पीटता देख तीसरा साइबरमैन काफ़ी ज़रा डर जाता है, पर किड वेजिटा उसे जाने नहीं देता। किड वेजिटा बोलता है कि लगता है मैं तुम्हें भूल गया था। किड वेजिटा के इतना बोलते ही किड वेजिटा एक ज़बरदस्त एनर्जी अटैक शूट कर देता है उस साइबरमैन के ऊपर। जैसे ही ये अटैक उस साइबरमैन को लगता है वैसे ही उस साइबरमैन का नामो निशान मिट जाता है। किड वेजिटा बोलता है कि मैंने तुम लोगों को नेक्स्ट डायमेंशन में पहुँचा दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम नेक्स्ट डायमेंशन में एन्जॉय करोगे। वेजिटा ने अपने तीनों ओपोनेंट्स को हरा दिया होता है, जिस चीज़ को देखकर किंग वेजिटा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। किंग वेजिटा बोलते हैं कि बहुत अच्छे मेरे बेटे, तुम हमारे फैमिली के शान को कभी कम नहीं होने दोगे, पर मेरे एक बात को याद रखना मेरे बेटे, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना एक लोअर क्लास सैयन की तरह। हम एलिट वॉरियर्स को ये सब कुछ शोभा नहीं देता, और हमेशा अपने आसपास का ध्यान रखना, क्या पता तुम्हारा ग्रेटेस्ट राइवल तुम्हारे आसपास ही हो। किंग वेजिटा के इतना बोलते ही किंग वेजिटा अपने हाथ से एक कैप्सूल निकालते हैं। किंग वेजिटा बोलते हैं कि अब तैयार हो जाओ मेरे बेटे, हमारे साइंटिस्ट रात दिन एक करके इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, और रात दिन एक करके उन्होंने बनाया सुपर साइबरमैन। ये सुपर साइबरमैन हमें प्लैनेट्स को जीतने में मदद करेंगे, वो भी तीन गुना ज़्यादा तेज़ी से, तो मेरे बेटे के लिए ये परफेक्ट ट्रेनिंग पार्टनर बन सकते हैं। किंग वेजिटा के ऐसा बोलते ही किंग वेजिटा उस कैप्सूल से दो सीड्स निकालते हैं और एकदम से उस सीड्स को ज़मीन के ऊपर फेंक देते हैं। किंग वेजिटा बोलते हैं कि इस चीज़ को ध्यान से देखना मेरे बेटे, इन न्यू साइबरमैन्स को वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस बात को सुनकर किड वेजिटा बोलता है कि ये तो काफ़ी अजीब बात है, इनका कलर तो रेड है फादर, मुझे नहीं लगता कि कलर चेंज से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। तभी वेजिटा देखता है कि वो सीड्स एकदम से उगने लग जाते हैं। वेजिटा बोलता है कि क्या, और देखते ही देखते वो सीड एकदम से सुपर साइबरमैन में बदल जाते हैं। किड वेजिटा अपने सामने इन दोनों जायंट साइबरमैन को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। किड वेजिटा बोलते हैं कि फादर, क्या मुझे इन दोनों का सामना करना पड़ेगा, शायद मैं तैयार नहीं हूँ। वेजिटा बोलता है कि मैं तैयार नहीं था फादर, पर अब मैं पूरी तरीके से तैयार हो चुका हूँ। वेजिटा के ऐसा करते ही वेजिटा एक जोरदार पावर अप करता है। वेजिटा के मसल्स बढ़ रहे होते हैं और वेजिटा के वेन्स भी दिखने लग जाते हैं। वेजिटा एकदम से टॉपलेस हो जाता है। वेजिटा की एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही होती है। वेजिटा बोलता है कि चाहे मेरे साथ वो दोनों बेवकूफ हो या ना हो, ये लड़ाई बिल्कुल उसी तरीके से खत्म होगी जिस तरीके से इस लड़ाई को खत्म होना था डीमंस।
चाहे कोई भी तरीके से ही क्यों ना हो, तुम लोगों को हराने के लिए हमेशा एक सैयनी खड़ा रहेगा। वेजिटा के बॉडी के आसपास ब्लैक इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है और वो भी लगातार बढ़ता ही जा रहा होता है, और वेजिटा अपने दोनों हाथों को मिलाकर एक पावरफुल एनर्जी अटैक बना लेता है। वेजिटा के हाथ में इस तरीके के एनर्जी अटैक को वो भी इतनी जल्दी आता देख डांटे और वर्जिल दोनों ही हैरान रह जाते हैं। जैसे ही ये अटैक वेजिटा का पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, वैसे ही वेजिटा बोलता है फाइनल फ्लैश। वेजिटा के इतना बोलते ही वेजिटा का ये खास अटैक काफी तेजी से डांटे और वर्जिल की तरफ जा रहा होता है। जिस तरीके का इसका नाम होता है उसी तरीके से बिल्कुल एक ही फ्लैश में वो डांटे और वर्जिल तक पहुंच जाता है, पर ये डांटे और वर्जिल की तेजी होती है जिसके वजह से वो इस अटैक से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। वेजिटा बोलता है कि जहां मुझे चाहिए था वो लोग बिल्कुल वहीं पर है। वेजिटा के इतना बोलते ही वेजिटा एकदम से वर्जिल और डांटे की तरफ चला जाता है। इस वक्त वेजिटा की तेजी काफी ज्यादा होती है और वेजिटा एक ही फ्लैश में वर्जिल के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वेजिटा एकदम से आकर वर्जिल को एक जबरदस्त किक मार देता है। वर्जिल इस किक को अपने दोनों हाथों से रोकता जरूर है, पर इस किक के अंदर इतना ज्यादा पावर होता है कि इस किक को रोकने के बावजूद वर्जिल काफी दूर जाकर गिरता है। इस चीज को डांटे भी देख रहा होता है। डांटे बोलता है कि ब्रदर। वेजिटा के अटैक का इस तरीके का इम्पैक्ट देखकर डांटे भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। डांटे बोलते हैं कि क्या इस मॉडल के पास अभी भी इतनी स्ट्रेंथ बाकी है, पर आखिर ये इतना पावर जनरेट कहाँ से कर रहा है। वेजिटा बोलते हैं कि अब तुम्हारी बारी, अब बस मैं और तुम बचे हैं यहाँ पर डांटे। वेजिटा के इतना बोलते ही वेजिटा एकदम से डांटे के ऊपर अटैक करने वाला होता है, और वेजिटा एक पावरफुल पंच मारने में कामयाब भी हो जाता है डांटे के ऊपर, पर डांटे अपने बड़े बड़े हाथ से इस अटैक को काफ़ी आसानी से रोक देता है। डांटे सिर्फ इतने में ही नहीं रुकता, डांटे एकदम से वेजिटा के हाथ को भी ग्रैब कर लेता है। डांटे बोलते हैं कि अब बस वहीं पर रुके रहना प्रिंस, क्योंकि अब मेरी बारी आ चुकी है। डांटे ने वेजिटा के एक हाथ को पकड़ लिया होता है और अब डांटे एक जबरदस्त पंच मारने वाला होता है वेजिटा को, पर जैसे ही डांटे इस पंच को वेजिटा को मारता है वैसे ही वेजिटा इस पंच को डॉच कर देता है। हम देखते हैं कि वेजिटा सिल्वर कलर के ऑरा से ढका हुआ होता है, जिसका मतलब साफ है कि वेजिटा अल्ट्रा इंस्टेंट का भी यूज कर रहा है। वेजिटा बोलते हैं कि हम सेयंस के पास काफी सारे ट्रिक्स पड़े हुए हैं तुम लोगों को हराने के लिए बेवकूफ, और अब मेरी बारी आ चुकी है। वेजिटा के इतना बोलते ही वेजिटा एक जबरदस्त किक मार देता है डांटे को। वेजिटा का ये किक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि डांटे की तो आंखें ही बाहर आ जाती है। वेजिटा बोलता है कि मुझे पता है कि तुम लोग पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुके हो और साथ ही में थोड़े बड़े भी हो चुके हो साइज में, पर इससे तुम्हें उन चीजों को देखने में काफी ज्यादा मुश्किल होगी जो तुमसे छोटी है। गुड लक डेमन्स उस चीज से मार खाने के लिए जिसे तुम छू नहीं सकते। वेजिटा के इतना बोलते ही वेजिटा एकदम से हैरान रह जाता है। वेजिटा बोलता है कि क्या। हम देखते हैं कि डांटे एकदम से वेजिटा के पैर को पकड़ लेता है। डांटे बोलता है कि तुम क्या कह रहे थे कि मैं तुम्हें छू नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है वेजिटा कि आखिर तुमने यहाँ पर क्या किया, क्योंकि तुमने अपने एक किक से वर्जिल को काफी दूर फेंक दिया, इसलिए तुमने मेरे ऊपर भी वही ट्रिक का इस्तेमाल किया। तुम्हें लगा था कि तुम्हारे किक का मेरे ऊपर भी वही इम्पैक्ट होगा जो कि वर्जिल के ऊपर हुआ था। सच में मुझे तो कभी नहीं लगा था कि मेरा ब्रदर इतना अच्छा एक्टर है, पर शायद मैं गलत था। तभी वहां पर वर्जिल भी आ जाता है। वो बोलता है कि मैं तो नेचुरल एक्टर हूँ। इस चीज को सुनकर वेजिटा एकदम से हैरान रह जाता है। वेजिटा बोलता है कि क्या। वेजिटा को डरा हुआ देखकर वर्जिल बोलता है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ वेजिटा, शायद लॉर्ड लूसिफ तुम्हारे बारे में गलत थे। तुम प्रिंस नहीं बल्कि तुम तो एक जोकर हो वेजिटा। वर्जिल के इतना बोलते ही वर्जिल एक पावरफुल पंच मार देता है वेजिटा को। वर्जिल का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वेजिटा के मुंह से खून निकल रहा होता है। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वेजिटा सीधा जाकर जमीन से टकराता है। वेजिटा इतनी जोर से जमीन से टकराया हुआ होता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई एस्ट्रॉयड आकर जमीन से टकराया है। बिल्कुल गोकू और ट्रंक्स की तरह वेजिटा की भी हालत खराब हो जाती है एक ही अटैक से। वेजिटा भी अपने बेस फॉर्म में आ चुका होता है। वेजिटा की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वेजिटा अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा होता, पर गोकू और ट्रंक्स की तरह वेजिटा बेहोश नहीं होता। वेजिटा को अब भी होश होता है। तभी वेजिटा को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ बोलती है कि जागने का वक्त हो चुका है बेवकूफ। जैसे ही वेजिटा इस जानी पहचानी आवाज़ को सुनता है वैसे ही वेजिटा एकदम से अपनी दोनों आंखों को खोल लेता है। इसके दूसरे पेज में हमें दिखता है कि वेजिटा अपने दोनों पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। वेजिटा उस शख्स से बोलता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम वापस ले सकते हो। तभी वो आवाज़ जो कि होती है वेजिटो की, वो आवाज़ वेजिटा से बोलती है कि
मैंने बस तुम्हें अपना थोड़ा सा ताकत दिया है जिसकी वजह से तुम अपने पैरों पे खड़े हो पाए हो। जरा तुम मुझे ये बताओ, आखिर मैं नहीं होता तो तुम कहाँ पर होते वेजिटा? तुम मेरे बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह हो, पर एक बेवकूफ़ छोटे भाई की तरह ही तुम काफ़ी ज़रा घमंडी हो। एक बात सुनकर रख लो वेजिटा, तुम्हें मेरे पावर की ज़रूरत है अगर तुम इस फाइट को जीतना चाहते हो तो। अपने बेवकूफ़ फादर की बातों को भूल जाओ और उनके आइडियोलॉजी के ऊपर मत चलो। उन्होंने तुम्हें काफ़ी कुछ गलत बताया है सैयन एबिलिटीज़ के बारे में। वेजिटा ज़रा तुम मुझे ये बताना, क्या तुम ये भूल चुके हो कि मैं भी तुम्हारी तरह एक सैयन ही हूँ? और इसीलिए मैं जानता हूँ कि तुम्हारे फादर की आइडियोलॉजी यहाँ पर काम नहीं करने वाले। वो तुम्हें नहीं बचा सकते वेजिटा, सिर्फ मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। तभी वेजिटा एकदम से वेजिटो से बोलते हैं कि तुम मुझे बचाओगे? मैं तुम्हारे डिमोनिक पावर से थक चुका हूँ। पहले मुझे लगा था कि ये लूसिफ है, पर अब मुझे लग रहा है कि ये सच में तुम हो। और देखो तुमने मुझे कहाँ पर लाकर रख दिया है वेजिटो। मुझे ताकत देने के बारे में बात कर रहे हो, पर तुम तो अभी तक वहाँ से लौट ही नहीं पाए जहाँ पर तुम्हें लूसिफ ने भेज दिया है। सच्चाई तो इस वक्त यह है कि चाहे मैं तुम्हारे पावर का इस्तेमाल करूँ या ना करूँ, इस लड़ाई के ऊपर ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये दोनों शख्स जो मेरे सामने खड़े हैं, ये एक अलग ही लेवल पर है। और अगर मुझे मरना ही है तो मैं एक सैयन की तरह मरना पसंद करूँगा, तुम्हारी तरह नहीं डीमन। इस बात को सुनकर वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है। वेजिटो बोलता है कि क्या तुम्हें क्या लग रहा है वेजिटा कि आखिर तुम इस तरीके से किससे बात कर रहे हो? मैं बहुत जल्द वापस लौटूंगा बेवकूफ़, तो तुम इस तरीके से मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे तुम दोनों की ज़रूरत है। तभी वेजिटा बोलता है कि तुम्हें हमारी ज़रूरत है और तुम बहुत जल्द आने वाले हो। तुम खाली झूठे प्रॉमिसेस कर सकते हो वेजिटो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। तुम पहले भी वैसे ही थे और अब भी वैसे ही हो। तुमने बिल्कुल इसी तरीके का प्रॉमिस मुझसे और कैकरोट से किया था। तुमने उस वक्त हमसे ये कहा था कि डाई को हराने के लिए तुम्हें बस हम दोनों की ज़रूरत है, पर अंत में तुमने लूसिफ की ताकत का इस्तेमाल किया। तुम और तुम्हारी बातें सब कुछ एक झूठ है। ये कैकरोट और मेरा यूनिवर्स है, तो इसे बचाना है या इसे हारना है ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम बीच में बोलने वाले कोई भी नहीं होते हो वेजिटो, और तुम एक सैयन नहीं, तुम एक डीमन हो। वेजिटा के ऐसा बोलते ही वेजिटा एकदम से सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा के आसपास से इलेक्ट्रिक स्पार्क निकल रहे होते हैं। वेजिटा बची कुछ ही एनर्जी अपने सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन में यूज कर लेता है। वेजिटा बोलता है कि आओ भी बेवकूफो, आओ और मेरा सामना करो और देखो कि सैयन का राजकुमार क्या क्या कर सकता है। वेजिटा के इतना बोलते ही वेजिटा का चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाता है। वेजिटा किसी चीज़ को देखकर पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। वेजिटा बोलता है कि नहीं, तुम यहाँ पर नहीं हो सकते ट्रंक्स। वेजिटा देखता है कि उसके सामने प्रेजेंट टाइमलाइन का ट्रंक्स होता है जो कि भागते हुए उसी के पास आ रहा होता है। प्रेजेंट टाइमलाइन का ट्रंक्स वेजिटा से बोलता है कि डैड, मैं आपको अकेले लड़ने नहीं दे सकता, मैं यहाँ पर खड़े खड़े आपको मरता हुआ नहीं देख सकता। वेजिटा ट्रंक्स को रोकने की कोशिश करता है। वेजिटा बोलता है कि नहीं ट्रंक्स, यहाँ से भाग जाओ इससे पहले कि देर हो जाए। इस चीज़ को डांटे देख लेता है। डांटे बोलता है कि ब्रदर, ज़रा वहाँ पर देखो, लगता है एक और कीड़ा यहाँ पर आ चुका है हमारे मज़े को ख़राब करने के लिए। क्या मुझे अभी इसे ख़त्म कर देना चाहिए? तभी वर्जिल बोलता है कि ज़रा रुको, क्या वो? डांटे, मैं समझ गया कि ये कौन है, ये तो लगता है वेजिटा का बेटा है। वर्जिल के इतना बोलते ही वर्जिल अपने हाथ में एक पावरफुल एनर्जी अटैक बना लेता है। वर्जिल एकदम से उस अटैक को ट्रंक्स के ऊपर शूट कर देता है। वर्जिल बोलता है कि अब तो मरो। यह अटैक काफ़ी तेज़ी से ट्रंक्स की तरफ जा रहा होता है। इस अटैक को ट्रंक्स भी नोटिस कर लेता है। ट्रंक्स बोलते हैं कि आखिर वो क्या है? दूर से यह अटैक सन की तरह लग रहा होता है, पर यह अटैक काफ़ी तेज़ी से पास आ रहा होता है जिसकी वजह से इस अटैक का साइज लगातार बढ़ता जा रहा होता है। देखते ही देखते ये अटैक इतना ज़्यादा पास आ जाता है कि हमें तो ट्रंक्स का चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा होता। ट्रंक्स अपने आखिरी पलों में बोलता है कि डैड। ट्रंक्स के ऐसा बोलते ही वो अटैक एकदम से जाकर ज़मीन से टकरा जाता है जिसकी वजह से एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। वर्जिल बोलता है कि मैं उस बच्चे के ब्लड को स्मेल कर सकता हूँ यहाँ से। वो तुम्हारा ही बेटा था ना वेजिटा, क्या मैंने सही कहा? तभी वर्जिल वेजिटा की तरफ देखता है। वर्जिल बोलता है कि क्या तुमने सुना प्रिंस, क्या मैंने अभी तुम्हारे ही बेटे को मार? वर्जिल के इतना बोलते ही वर्जिल एकदम से हैरान रह जाता है। वर्जिल को वेजिटा कहीं पर भी नहीं दिख रहा होता। वर्जिल बोलते हैं कि आखिर वो कहाँ पर चला गया? वेजिटा जिस जगह पर खड़ा था उस जगह पर अभी कुछ भी नहीं होता। वर्जिल बोलते हैं कि डांटे, वो जा चुका है।
तभी वर्जिल उस धमाके की तरफ देखता है। वर्जिल बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। उस धमाके का इम्पैक्ट धीरे धीरे कम हो रहा होता है, जिसके वजह से धूल भी धीरे धीरे हट रहा होता है। और जैसे ही धूल पूरी तरीके से साफ होता है, हमें वहाँ पर वेजिटा दिखता है। वेजिटा एक बार फिर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। वेजिटा की बॉडी एक तरीके के आर्मर से ढक चुकी होती है, बिल्कुल जिस तरीके से वेजिटो के साथ हुआ है डेमन राइम में। वेजिटा के हाथ भी डांटे और वर्जिल की तरह ही हो चुके होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वेजिटा ने ट्रंक्स को भी बचा लिया होता है। वेजिटा बोलता है कि तुम्हें हर एक चीज़ की कीमत चुकानी होगी। तभी वेजिटा के पीछे वेजिटो वेजिटा से बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था वेजिटा, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। वेजिटा वेजिटो से बोलता है कि चुप रहो, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। शायद डाई के साथ फाइनल बैटल के दौरान तुमने भी हमसे यही कहा था। ये समझ लेना वेजिटो कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। शायद यही तरीका अच्छा है जिससे हम जिंदगियों को बचा सकते हैं, जैसा कि तुमने मुझसे पहले भी कहा। तभी वेजिटा एकदम से ट्रंक्स की तरफ देखता है। वेजिटा ट्रंक्स से बोलता है कि कभी भी मेरे लड़ाई के बीच में मत आना बच्चे, एक सैयन अपनी लड़ाई अकेले लड़ता है, इसलिए दोबारा कभी मुझे एम्ब्रेस करने मत आना, क्या तुम्हें समझा? अभी तुम्हें बस एक ही काम करना है, यहाँ से निकल जाओ। तभी ट्रंक्स वहाँ से निकल जाता है। ट्रंक्स बोलता है कि यस सर। इसके बाद वेजिटा का ध्यान डांटे और वर्जिल के ऊपर आ जाता है। वेजिटा बोलता है कि तुम दोनों नेचुरल एक्टर हो ना, अब मैं देखता हूँ कि तुम किस तरीके से एक्ट करते हो, आओ और मेरा सामना करो। वेजिटो बोलता है कि मेरे चेहरे पे कुछ लिखा है क्या जिसे पढ़ने की तुम कोशिश कर रही हो? तुम औरतें तो हमेशा ही हैंडसम दिखने वाले मर्दों को ताड़ते रहते हो, पर चलो कोई बात नहीं, चीज़ें अब तो इससे भी ज़्यादा बदतर होने वाली है तुम्हारे लिए। वेजिटो की इनक्रेडिबल स्पीड और ताकत को देखकर मदर्स ऑफ ऑल एंजल्स काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। वो बोलती है कि कैसे, आखिर तुमने ये कैसे किया, क्या ये काजुआ है? तभी वेजिटो एकदम से बोलता है कि नहीं, गलत, ये मैं हूँ वेजिटो, काजुआ नहीं। ये बोलते हुए वेजिटो एक ज़बरदस्त पंच मार देता है मदर्स ऑफ ऑल एंजल्स के चेहरे पर। हम देखते हैं कि वेजिटो के पास भी बिल्कुल सेम तरीके का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिस तरीके से वेजिटा के पास है। वेजिटो का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि मदर्स ऑफ ऑल एंजल्स काफ़ी दूर जाकर गिरती है। डाई की मदर बोलती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, आखिर तुम्हारे पास इतनी ताकत आई कहाँ से मॉर्टल? तभी डाई की मदर अपने चेहरे के ऊपर हाथ लगाती है। अपने हाथ में किसी चीज़ को देखकर डाई की मदर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। वो बोलती है कि नहीं, ये तो मेरा ब्लड है। डाई की मदर बोलती है कि तुमने मेरे साथ ये किया? वही सेम मॉर्टल जिसने मेरे बेटे को डिसरिस्पेक्ट किया, अब वो मुझे भी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तभी वेजिटो बोलते हैं कि आखिर क्या बात है, मुझे अब तक एक बात समझ में नहीं आई कि तुम हाई लेवल के गॉड्स और एंजल्स अपने ही ब्लड को देखकर इतना हैरान क्यों रह जाते हो। मुझे पता है कि तुम लोग अपने आप को भगवान मानते हो, पर तुमने कुछ सीखा नहीं? ये सब कुछ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम सब लोग बिल्कुल ही बेकार हो और तुम लोग मेरे कदमों के नीचे रहना डिजर्व करते हो। इस बात को सुनकर डाई की मदर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। डाई की मदर बोलती है कि तुम डाई से इस तरीके से बात कर सकते हो, पर आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो? चाहे तुम मेरे बच्चों के बाप बनो या ना बनो, पर एक बात तो कन्फर्म है कि उनके बर्थ के टाइम तुम यहाँ पर नहीं होगे, क्योंकि आज मैं तुम्हें मारने वाली हूँ और तुम्हारी विधवा बनकर रहने वाली हूँ। डाई की मदर का ये सेंटेंस ख़त्म होते ही डाई की मदर एक ज़ोरदार पावर अप करती है। जैसे ही डाई की मदर पावर अप करती है, वैसे ही डाई की मदर एक पावरफुल ऑरा से घिर जाती है। डाई की मदर पावर अप करते हुए बिल्कुल एक चुड़ैल की तरह लग रही होती है। डाई की मदर की आंखें और वेंस बाहर आ रहे होते हैं। डाई की मदर का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रुकता, डाई की मदर के दो सींग भी बाहर आ जाते हैं। इसके बाद डाई की मदर का एक डिमोनिक टेल बाहर आ रहा होता है। डाई की मदर के आर्म्स भी किसी तरीके की चीज़ से कवर हो जाते हैं। और देखते ही देखते वेजिटो के सामने एक बहुत बड़ा पावर एक्सप्लोजन होता है। पावर अप से निकलने वाली एनर्जी को देखते हुए बोलता है कि ज़रा तुम इसे देखो, यहाँ से चीज़ें अब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, हर कोई अब लूसिफ के लेवल जितना होगा। तभी डाई की मदर बोलती है कि नहीं वेजिटो, तुमने गलत कहा, उससे भी बुरा। डाई की मदर का ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से कम्प्लीट हो चुका होता है। डाई की मदर के पास एक डिमोनिक टेल होता है और जिस तरीके से वेजिटो के पास अपना आर्मर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से डाई की मदर की बॉडी भी पूरी तरीके से एक आर्मर से ढकी हुई होती है। डाई की मदर बोलती है कि अब इस चीज़ को देखने का वक्त आ चुका है मॉर्टल, एक सैयन जिसने डेविल जिन को चुराया, क्या वो उस मदर का सामना कर सकता है जिससे वो डेविल जिन आया? तो क्या इसका मतलब ये है कि डेविल जिन की क्रिएटर मदर्स ऑफ ऑल एंजल्स है
ये हमें आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा।